हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका सो आई वेलकम टू माय चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल सो लेट्स गेट स्टार्ट सो टू गेट सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक मटीरियल मेडिका वी नीड टू प्रूव ड्रग्स सो हमें ड्रग्स को प्रूव करना है होम्योपैथिक मटीरियल मेडिका के लिए तो सोर्सेस कौन से कौन से होंगे प्रूविंग ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स प्रूविंग ऑन हेल्दी एनिमल्स प्रूविंग ऑन हेल्दी प्लांट्स, केमिकल सोर्सेस बायोकेमिस्ट्री इंपेरिकल सोर्सेस एक्सीडेंटल सोर्सेस टॉक्सिकोलॉजिकल सोर्सेस क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन लबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स एंड डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर सो दीज आर दी सोर्सेस लेट्स डिस्कस वन बाय वन प्रूविंग ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो मेन सोर्स है वो हेल्थी ह्यूमन बींग्स है विनो होम्योपैथी में हम प्रूविंग करने के लिए हेल्थी ह्यूमन बींग्स को चूज करते हैं उनके ऊपर होती है ऊपर हम प्रूविंग नहीं करते हैं देन द मेडिसिन सब्सटांसेस आर गिवन ऑरली टू देल्दी ह्यूमन बींग्स ऑफ बोथ सेक्सेस एंड ऑल एजेस इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज इन टिंगर फॉर्म और इन लोअर डल्यूशन

लाइक like, यहाँ पर भी कुछ और एरिया पर भी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के ऊपर भी जहां पर डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं और यहाँ पर डिफरेंट सेक्सेस हैं सब में हम प्रूव कर रहे हैं इस मेडिसिन को कैसे विद द हेल्प ऑफ टिंचर्स और इन लोअर डल्यूशन टिंचर्स जो सेफ है मेडिसंस लोअर डोल्यूशन जैसे आर्सेनिक एल्बम वगैरह मेडिसिन हैं जिनकी पॉइजनस होती है टिंचर फॉर्म

टू इफेक्ट ऑफ ड्रग सब हेल्दी ह्यूमन बींग्स इस मैथड से हम क्या करते हैं टू इफेक्ट ड्रग सब हमारे को पता चलती है एल्बर्ट वोनर वॉज दर्सन प्रैक्टिस ड्रग प्रूविंग ऑन हेल्थी ह्यूमन बींग्स एंड देन डॉक्टर हैनीम से पहले भी एक पर्सन एल्बर्ट वोन हैलर ने प्रूविंग करी थी हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे देन डॉक्टर है इनको रियलिटी में लेकर आए क्लियर देन चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग सब्सटेंसेस आर सबस्टांसिस मेंटली एंड फिजिकली बाय द हेल्दी इंडिविजुअल्स एंड आर नरेटेड बाय देम पर्सनली एंड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम टाइम टू टाइम आफ्टर टेकिंग द ड्रग दिस मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द सिम्टम इज

क्लियर जैसे हेल्दी ह्यूमन बींग्स के ऊपर हम कर रहे हैं तो ये हमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि पर्सन जो भी कह रहा है और मेंटली जो भी है वो हमें पता चलेगा वही हम इस ड्रग को यदि किसी एनिमल पे प्रूव करने की कोशिश करें तो हमें मेंटली सिम्टम्स नहीं मिलेंगे और ना ही वो कुछ रिलायबल डेटा होगा हमारे पास क्लियर नाउ द एडवांटेज वी गेट ऑल द मेंटल एंड पर्टिकुलर सिम्टम्स ऑफ द ड्रग मेंटल और पर्टिकुलर सिम्टम्स हमें ड्रग्स के मिलेंगे डिसएडवांटेज वी डू नॉट गेट प्रूविंग ऑफ ड्रग्स विद पैथोलॉजिकल चेंजेस अब ह्यूमन डिस हैं उनकी लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट तो हम पैथोलॉजिकल डी पैथोलॉजी में नहीं जा सकते ड्रग कैन नॉट बी प्रूव इन एनी क्वान्टिटी ड्यू टू टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग हम किसी भी क्वांटिटी में उसको प्रूव नहीं कर सकते हमें बहुत ही कम क्वांटिटी रखनी होती है ताकि जो टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं वो हमें ना प्रूव हो अदरवाइज लाइफ ऑफ द पेशेंट विल बी इन द रिस्क द ड्रग कैन नॉट बी प्रूव्ड फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम ड्यू टू फियर ऑफ पॉइजनिंग किसी भी लेंथ के लिए हम उसको प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि पॉइजनिंग का डर रहता है वी कैन नॉट गो टू अल्टीमेट पैथोलॉजी एंड कैन नॉट डेयर टू लूज ही प्रूवर अल्टीमेट पैथोलॉजी में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम प्रूवर को लूज करने की डेयर नहीं रख सकते

डी पैथोलॉजी में जाने के डर के कारण उनको लूज करने के डर के कारण अब वो हम एनिमल्स में कर सकते हैं जैसे कि एग्जाम्पल दी हुई है प्रोड्यूस्ड ब्रोंकोसील इन डॉग्स बोरिक्स मेडिका में फ्लोरिक एसिड को हम देख सकते हैं तो ये ब्रोंकोसिल में काफी अच्छा वर्क करती है देन इन्फ्यूजन ऑफ बेरियम क्लोराइड इन डॉग्स रिजल्ट्स इन अरिदमिया डायरिया एंड स्केलेटल मसल ट्विचिंग एंड सब्सटेंशियल हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे नहीं कर सकते थे लेकिन हेल्थी एनिमल्स पे हम डीप पैथोलॉजी में जा सकते हैं स्ट्रक्चुरल चेंजेस देख सकते हैं तो ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स हमें पता लग सकते हैं डिसडवांटेज वही की हमें मेंटल सिम्टम्स नहीं मिल सकते इसमें सब्जेक्टिव सिम्टम्स नहीं मिल सकते क्लियर द नेक्स्ट इज प्रूविंग ऑन हेल्दी प्लांट्स प्लांट्स में हम प्रूविंग कर सकते हैं मेडिकल सब्सटेंसेस एक्ट इन वेरिंग फॉर्म्स ऑन ऑल द लिविंग थिंग्स व्हिच मे बी प्लांट्स और एनिमल्स द सम इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स कैन आल्सो बी स्टडीड बाय प्रूविंग देम ऑन प्लांट्स जो मेडिसिन सब्सटेंसेस हैं वो सब के ऊपर एक्ट करते हैं So, डिस वी डू नॉट गेट एनी सिम्टम्स हमें कोई प्रूविंग सिम्टम्स नहीं दिखेंगे इसमें लेकिन हम डीपर लेवल पे क्रोमोजोमल लेवल पे हम इसको स्टडी कर सकते हैं क्लियर नेक्स्ट इज केमिकल सोर्सेज वी कैन गेट सम क्लूज ऑफ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सम ड्रग्स स्पेशली मिनरल्स

कोई ह्यूमन बींग्स नहीं है कोई एनिमल नहीं है कोई प्लांट नहीं है तो साइन सिम्टम्स देखेंगे कैसे सो दिस इज द डिसएडवांटेज क्लियर नेक्स्ट इज दिसोकेमि इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द बायोकेमिकल एक्शन ऑफ सबस्टांसिस नॉलेज डिराइव फ्रॉम बायोकेमिकल स्टडी अबाउट द क्रिएटिव पावर ऑफ अ ड्रग डीलिंग विद द विदेर ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स ऑन सिस्टम और ऑर्गन्स लाइक हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है इससे कि बायोकेमिकल एक्शन ऑफ सब्सटेंसेस। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट बायोकेमिकल एक्शन ऑफ सब्सटेंसेस। बायोकेमिकल एक्शन क्या है जो भी हम मेडिसिन को स्टडी कर रहे हैं क्लियर उसका ऑर्गन्स के ऊपर सिस्टम्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है

तो हमने उन्ही चीजों को उठाकर उनकी इंपोर्टाइज किया और उसमें हमने स्टडी की स्टडी करने के बाद हमें पता चला कि ये मेडिसिन का ये ये इफेक्ट है लाइक like हमें बोलते हैं कि तुलसी की चाय पियो या अदरक की चाय पियो तो ये चीजें आगे हमें पोर्टेंटाइज़ करके हमें इसके और भी ज्यादा अच्छे इफेक्ट्स हमें पता चलते हैं क्लियर दे ट्राइड एंड टेस्टेड डिफरेंट काम दो टेकन As a tea or decoctions, koi chai ya kala liya, applied as a lotions or even rubbed or as ointments. All those recorded effects are in sources of materia medica. So, yahan for example, dyewe, calendula officinalis, It is a traditional source, so we know the uh, medicinal properties of a drug since olden days and can be observed from general therapeutics study of drugs. Clear? नेक्स्ट इज एक्सीडेंटल हमें नहीं पता की वो क्या हो गया पेशेंट को मतलब एकदम से एक्सीडेंटली हमें पता चला की वाओ की ये मेडिसिन ये भी ठीक कर देती है लाइक ब्लाटा ओरियंटलिस्ट इन अस्थमा इसकी एक अच्छी स्टोरी है कि कॉकरोच के कारण उस पेशेंट को अस्थमा हुआ और ठीक हुआ मतलब इस तरह से कोई स्टोरी है देन ब्लाटा और इंटेलिस इन अस्थमा ब्लाटा और इंटेलिस फ्रॉम कॉकरोच द नेक्स्ट इज टॉक्सिकोलॉजिकल सोर्सेस देयर आर मेनी सब्सटांसेस व्हिच आर टॉक्सिक इन नेचर साइनल सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ दीज ड्रग्स सब्सटांसेस कैन बी ऑप्टेन फ्रॉम द केस ऑफ पॉइजनिंग क्या है

हमने मटेरिया मेडिका में इन्वॉल्व किया सो द इफेक्ट्स ऑफ बाइट बाय द कॉमन वाइपर रिलेटेड स्पीशीज एंड हैव बीन कलेक्टेड एंड हैव फर्निश्ड द डेटा फॉर होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग लाइक किसी को कॉमन वाइपर का डंग लगा तो उसमें जो सिम्टम्स आए तो हमने उस डेटा को कलेक्ट किया और उसको फर्दर होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में इंक्लूड किया क्लियर सो क्लार्क मटेरिया मेडिका में एंथ्रेक्सिनम

किसी मेडिसिन को हमने दिया और उसने जो प्रूविंग में मेडिसिंस प्रूविंग में डेटा था उसके अलावा कुछ और भी प्रूव कर दिया दैट इज क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस इसमें बहुत अच्छे एग्जांपल आपको मिलेगी ब्राउनिया की जो ब्रोंकाइटिस में बड़ी हेल्पफुल है जो हमें क्लिनिकली ऑब्जर्व हुई ठीक देन डॉक्टर रिचर्ड ह्यूज ऑफ ब्रिटेन एंड हिज डिसिपल्स वर अगेंस्ट द इंक्लूजन ऑफ दीज टाइप्स ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स वो इनके इस चीज के अगेंस्ट थे बट जो कॉन्स्टेंटाइन हैरिंग ऑफ यू एस ए हैं वो इनकॉर्पोरेटेड दीज सिम्टम्स इन होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका मैनी सब्सटांसिस आर नॉट प्रूव ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स बट देर फ्रीक्वेंट एंड सक्सेसफुल यूज इन सम क्लिनिकल अफेक्शन आर रिकॉर्डेड एंड आफ्टर द साइंटिफिक वेरिफिकेशन देर सिम्टम्स आर इंक्लूडेड इन मटीरिया जो हमें पहले नहीं मिले लेकिन हमने फ्रीक्वेंट जो मेडिसिन को यूज किया फ्रीक्वेंटली वो चीजें मिली और सक्सेसफुली उस चीजों को ठीक किया उस मेडिसन ने तो दैट तो इज क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस आफ्टर अपलाइंग मेडिसन वी कैन कम अक्रॉस सम न्यू सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड और क्योर्ड बाई अ मेडिसिन विच है नए सिमटम्स हमें मिलते हैं जो पहले हमने ऑब्जर्व नहीं किए हैं एंड आई नॉट रिकॉर्डेड ड्यूरिंग दी प्रूविंग ऑफ दैट See, वही आगे और प्लूरल पेन ऑफ ब्रोनिया इज दिस एडवांटेज हम बात कर लेते हैं सिमटम्स नॉट आल्सो गेटिंग जो पेशेंट ने डिस्क्राइब नहीं किया प्रूविंग के टाइम पे वो भी हम इसमें क्यों होता देख रहे हैं तो दैट इज after administration of medicine which were not found while drug proving. वही सेम बात है कि जब हमें मेडिसिन को प्रूव करे तब तो वो मेडिसिन का इफेक्ट हमें मिला नहीं लेकिन अब हमें वो मिल रहा है प्रूव मेडिसिन देने के बाद मिल रहा है ठीक है पहले नहीं लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट एडवांटेज क्या है क्वालिटेटिव एंड क्वानिटेटिव चेंजेस ऑफ एंड टिश्यूल इन नोजोलॉजिकल डायग्नोसिस कौन से होते हैं जैसे पेशेंट का हमने देखा कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो मतलब ये सब लेबोरेटरी चीजें हैं सीबीसी काउंट किया एल एफ टी आर एफ टी वगैरह डिसएडवांटेज क्या है वी डू नॉट गेट एनी पिकुलर सिम्टम कोई पर्टिकुलर सिम्टम्स हमें नहीं मिलता है इसमें डॉक्टराइन ऑफ सिग्नेचर डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकेंड प्रोफ में भी एंड इसमें भी बहुत अच्छा एक टॉपिक है advocated chemically prepared drugs crude medicinal and mineral substances. इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे प्लांट है कोई मान लो सपोज कोई प्लांट है उसका जो अः लीफ है लीफ के ऊपर वो कह रहे हैं कि एक सिग्नेचर किया होता है की एक नेचर के द्वारा सिग्नेचर है कि ये मेडिसिन इसके लिए यूज होगी लाइक जैस्मिन का फ्लावर है क्लियर उसमें जो प्रॉपर्टीज हैं, वो उसके अकॉर्डिंग वो ठीक करेगा कोई रेड फ्लावर है तो वो रेड कलर के सिम्टम्स में इम्प्रूव करेगा लाइक like, पल्सा है जो वो ग्रुप्स में उसके फ्लावर्स रहना चाहते हैं तो पेशेंट भी वैसा ही होगा कि अकेला नहीं रहना चाहता ग्रुप्स में रहना चाहता है जैसी हवा उसकी तरफ मुड़ जाता है तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ है है हम इसको पढ़ते हैं। पे एक साइन दिया है जिससे पता चलेगा कि वो जो सब्सटेंस है किस चीज के लिए यूज होता है दिस फीचर इज प्रेजेंट इन फ्यू ड्रग्स एंड बाय दिस वी कैन लर्न द इफेक्ट्स ऑफ सच ड्रग्स टू सम Summers पहले बताया कि वो ब्लड के ऊपर ज्यादा अच्छा इफेक्ट करेंगे सो क्लियर सद मेडिसिन प्रिपेयर्ड फ्रॉम येलो फ्लावर्स ऑफ जैस्मियम एक्ट्स वेल इन जॉन्डिस येलो फ्लावर्स होती है जैस्मियम के तो वो जॉन्डिस में बहुत अच्छा काम करती है इट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सटर्नल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस एंड देयर साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट इन द पेशेंट क्लियर सो Was all about the sources. So, thank you so much. Please subscribe to my channel. Thank you so much.